फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ भेलपूरी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मुरमुरे लिए हैं, पफ्ड राइस, और इसके साथ मैं भेलपूरी बनाऊंगी आज। इसमें हम फर्स्टली डालेंगे अपने टोमेटो। मैंने यहाँ एक कप टोमेटो लिए हैं, और ये मैंने लिया है पापड़। जो घर में आपकी कोई भी पापड़ हो आप वो ले सकते हैं। उसे बस आप भून लीजिए और इसमें डाल दीजिए। और ये लिया है मैंने राइस, ये पफ राइस है, कॉर्नफ्लेक्स, और ली है मैंने ये मूंगफली, भुनी मूंगफली, और थोड़े से आलू। और इसमें मैं डालूंगी ये प्याज चॉप करके, इसमें डालूंगी मैं 1 टेबल स्पून धनिया, ये मैंने चॉप कर लिया है, और इसमें डालूंगी ग्रीन चिली, ये भी चॉप कर ली है। अब इसमें डालूंगी मैंने 1/2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी या बूरा, और डालूंगी इसमें मैं आलू भुजिया। यहाँ मैंने ये आलू भुजिया ली है, इसको मैं डाल दूंगी इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी केचप, एक से डेढ़ चम्मच केचप, और इमली का पेस्ट, और हरी चटनी, ये धनिया की हरी चटनी है, ये डाल दीजिए 1 चम्मच, और ये 1 नींबू का रस। और इसमें मैं आपके ऐड करूंगी नमक एज पर टेस्ट, और रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो ग्रीन चिली ज़्यादा डाल सकते हैं, फिर आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, जैसे आपको तीखा पसंद हो आप उतनी मिर्च डालिए। और यहाँ मैंने ये लिया है सूखा पुदीना पाउडर। बस फ्रेंड्स, अब हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए ये मैंने मिक्स कर लिए हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती है। आप अब इसमें मैंने 1 चम्मच अनारदाना ऐड कर दिया है, ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी। आप इसे कभी भी शाम के टाइम चाय के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये बनकर तैयार है।